हमारे सभी श्रोतागण, सबसे पहले किसी कार्य को करने के लिए श्री गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, जिसका मंत्र हम आप लोगों को सुना रहे हैं। ओम सुमुखश्चैक दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे क्षिण्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशो निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। इसके बाद श्री गौरी जी का ध्यान करना चाहिए, जिसका भी मंत्र आगे हम पढ़ रहे हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्वे श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्वे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस प्रकार हम किसी भी कार्य को संपन्न करने के पूर्व श्री गणेश जी और गौरी जी का ध्यान करने का मंत्र सुनाया है। अब इसके आगे भाग में हम शेष मंत्र की जानकारी देंगे।